हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे तुरई और चना दाल की बहुत ही हेल्दी एंड स्वादिष्ट सब्जी। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है इसे। मैंने यहाँ पर 3 से 4 तुरई ले ली हैं। आप इसमें 2 से 3 लोगों की सब्जी आराम से बना सकते हैं। जब भी आप मार्केट से तुरई घर लाएं तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये तुरई कड़ी होनी चाहिए, मुलायम नहीं हो। और बहुत मोटे साइज़ की तुरई भी हमें नहीं लानी है क्योंकि उसकी सब्जी उतनी टेस्टी नहीं बनती है। तुरई को अच्छे से धुल लिया है हमने, अब हम इसे काटेंगे। तो ध्यान रहे, इसे छीलने में इसका पूरा छिलका हमें नहीं निकालना है क्योंकि उससे बहुत सारे न्यूट्रिशन बाहर चले जाते हैं छिलके के साथ। सारी तुरई हमने छील ली है यहाँ पर। उसके बाद हमें इसे मीडियम साइज के पीसेस में कट करना है। दोस्तों, तुरई की सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट होती है और हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है और बहुत ही आसानी से ये घर पर बन जाती है। बहुत सारे लोग तुरई को ही नेनुआ और गिलकी भी बोलते हैं। आप लोग बताइएगा कि आपके यहाँ क्या बोलते हैं इसे। कई लोग इसे चने के साथ बनाते हैं, चना दाल के साथ भी बनाते हैं। आपके यहाँ पे कैसी बनाई जाती है कमेंट करिएगा। यहाँ पर तुरई कट चुकी है। उसके बाद हमें सब्जी बनाने के लिए चाहिए 3 से 4 कलियाँ लहसुन, हरा मिर्च, थोड़े से भीगे हुए चने और प्याज। चने को आपको रात में भिगो देना है। सारी चीज़ें रेडी हैं तो चलते हैं अब सब्जी बनाने की तरफ। फटाफट हमने कढ़ाई चढ़ा दी, उस पर डालेंगे हम लगभग 2 चम्मच के करीब तेल। और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो हम उसमें डाल देंगे जीरा। जीरे से इस तरह की सब्जियां जैसे लौकी, तुरई में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी काली सरसों और टेस्ट को और बढ़ाने के लिए हम इसमें डाल देंगे हींग। जब ये सारी चीज़ें अच्छे से पक जाए तो हम इसमें डाल देंगे लहसुन और हरा मिर्च। ये सारी चीज़ें जब अच्छे से पक जाएं तो अब हम डाल देंगे उसमें प्याज। प्याज को हम अच्छे से पका लेंगे। तुरई की सब्जी बनाते वक्त आपको गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है, हाई फ्लेम पे इसे नहीं बनाना है। लगभग 1 से 2 मिनट तक ये सारी चीज़ें पकाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे जो हमने चने फुलाए थे वो। चने को लगभग 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे हम। अब हम डाल देंगे इसमें तुरई। ये सब्जी बहुत ही कम टाइम में पक जाती है, लगभग 8 से 10 मिनट में जल्दी से बनकर तैयार हो जाती है। अगर आपके पास टाइम नहीं है आपको हेल्दी सब्जी खानी है तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। तुरई डालने के बाद हम इसको अच्छे से बाकी चीज़ों के साथ मिला लेंगे। अगर आपके यहाँ सिंपल तुरई की सब्जी बनती है तो एक बार आप इसे बनाकर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी। उसके बाद हम इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे, थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे। मसालों में इसमें नमक और हल्दी ही पड़ता है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब हम इसको अच्छे से चला देंगे। और ध्यान रहे कि इस सब्जी में हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। अब हम इसको ढक देंगे। पानी इसलिए नहीं डालना क्योंकि ये सब्जी में पानी छूटता है। इसमें थोड़ा सा भी पानी डाल देंगे तो आपकी सब्जी एकदम फीकी हो जाएगी। 2 से 3 मिनट के बाद हमें इसे एक बार खोलकर चला लेना है। उसके बाद फिर हम इसको ढक देंगे। सब्जी को पकाते समय बीच में हमें इसे 1 से 2 बार चलाना है ताकि हमें पता चले कि सब्जी अच्छे से पकी है या फिर ये ज़्यादा गल तो नहीं गई है। अगर आप इसे 1 से 2 बार चलाएंगे नहीं तो आपको उतना आइडिया नहीं लगेगा और आपकी सब्जी गल सकती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सब्जी बनकर तैयार है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया पत्ता। बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी सब्जी है ये, आप सब भी इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।